नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, जहां हर चौकट तक पहुंचाया जा रहा है राशन। जी हां, यह बातें अतुल पांडे ने कही। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र से खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश लॉकडाउन होने के चलते गरीब मजदूर परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। इसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पुत्र व भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे अपने पिता के आदर्शों पर चल समाज के हर गरीबों व बेसहारा वर्ग की मदद के लिए आगे आए। इसी क्रम में आज अतुल पांडे ग्राम पंचायत मसीत में मझरा बरेली नगर नंबर 1 में दर्जनों गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनकी आर्थिक मानसिक पीड़ा को समझते हुए उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही रहें, आवश्यक कार्य होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर जाएं। किसी भी परिवार को लॉकडाउन के चलते राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी, न किसी भी परिवार को भूखा सोने दिया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत मसीद के प्रधान प्रतिनिधि हाजी रिजवान हुसैन ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करने सहित प्रशासन के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि पूरा ग्राम पंचायत में राशन संबंधित या अन्य किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। समाज सेवी और जितने भी समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने स्तर से जैसा संभव हो पा रहा, हर कोई मदद कर रहा है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि विश्व और देश दोनों इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समाजसेवी लोग अपने माध्यमों से लोगों की और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने भी एक प्रण उठाया कि भाई सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हर कोई अपने स्तर से सुविधाओं को मुहैया करा रहा है गरीबों तक के। तो माननीय मंत्री जी ने अपनी तरफ से भी जितना संभव हो पाया हर गरीब को जो संभव हो पाया वो मदद देने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ इस परिस्थिति में सब लोग कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कर रहे हैं और गरीबों के साथ खड़े होने के लिए उनके साथ एक उम्मीद बनकर काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी में हमें आई नहीं है समस्या। अगर ऐसा है कुछ भी तो तहसीलदार महोदय से बात की जाएगी और जितने भी उस क्षेत्र के समस्त पटवारी लोग हैं उनको भी बुला करके इस चीज़ की जानकारी ली जाएगी और जल्द से जल्द इसका निवारण कराया जाएगा। इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं है। इस पर मैं आज माननीय मंत्री जी तक इस विषय को पहुँचाने का काम करूँगा और कहूंगा कि जल्द से जल्द पटवारी को और तहसीलदार को और SDM से बुला करके इस विषय पर जानकारी कर आम जनता को इसका लाभ पहुंचा सके। सभी के लिए यही संदेश है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा जरूरत होने पर तभी घरों से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घरों में ही रहें। पूरा देश इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहा है, हम सबका भी प्रयास यही होना चाहिए कि जो माननीय मोदी जी ने जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस समय पूरे देश को लॉकडाउन में परिवर्तित किया है, तो हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि उस कड़ी में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से है, जहां SSP हरजीत सिंह का दिशा निर्देश। जी हां, पंजाब के फाजिल्का में कोरोना वायरस के दौरान मान जोग SSP हरजीत सिंह के दिशा निर्देशानुसार थाना अरनीवाला के SHO नवदीप सिंह की देखरेख में गांव डिम्पावाली में 24 घंटे श्री मुक्तसर साहिब की सरहद में नाका लगा हुआ है। यहां पर पुलिस मुलाजिम को महाजन और शर्मा कमेटी गांव मूलियावाली की तरफ से मान सम्मान किया गया। उस समय SHO नवदीप सिंह ने महाजन और शर्मा कमेटी का धन्यवाद किया। नाके पर जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान रूबी गिल, प्रधान सोम कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, प्रदीप कटपाल, काला मुगलानी भी शामिल थे। देखे फाजिल्का से विजय कुमार की रिपोर्ट। डिस्टेंस डिस्टेंस ब्रदर डिस्टेंस डिस्टेंस
सब तो पहला तो असीं सलूट करते हैं पंजाब पुलिस के उन्हां जवाब योधिया जिहड़े दिन रात एक करके पंजाब के लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। एक वो लोग होंगे जिहड़े बार्डर से पहरा देंदे है ते एक वो साड़ी पंजाब की पुलिस है जिहड़े इत्थे अज पहरा दे के इस महामारी तो करोना वर्गी महामारी तो सानू बचाउण की कोशिश कर रहे हैं। अज मैं समूह महाजन शर्मा कमेटी का धन्यवाद करदा। अज असी नाल यूथ कांग्रेस वालों एक मास्क वंडन की मुहिम तो जेडे साडे ये योधे ये साडे सूरवीर जेडे साडे लई दिन भर रात ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने सन्मानित किया है तो परमात्मा अगे अरदास की है कि परमात्मा इन्हों होर बल बख्शे तो चंगे तरीके नाल चंगी मेहनत के नाल साडा तो समाज की हिफाजत कर सकन तो आपकी हिफाजत भी कर सकन। ये साडे लई तन दही नाल ड्यूटी कर रहे हैं इन्हों का दिल दियां गहराइयां चों धन्यवाद। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की। अज शर्मा महाजन कमेटी टिप्पावाली एंड रूबी गिल प्रेजिडेंट यूथ कांग्रेस अज इन्हां ने साडे नाके दे उत्ते आके साडे जवानां नूं प्रोत्साहित किया है। इन्हां नूं सैनेटाइजर एंड मास्क फेस मास्क वंडे ने आम लोगों वास्ते करीब 15,000 फेस मास्क बनवाए ने। इन्हां ने सानू जो ये हैल्प आम लोगों ते NGOs वालों मिलती है इहदे वास्ते मैं पंजाब पुलिस फाजिलका अते समूह पंजाब पुलिस वालों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तुहाडी इंस्पिरेशन नाल असी दिन रात ड्यूटी करन दे विच कोई थकावट महसूस नहीं करते। तुहाडी ये हल्लाशेरी ही सानू अगे वधन लई प्रेरित करती है। थैंक यू सो मच। जो मूलियां वाली वालों शर्मा एंड महाजन कमेटी वालों तुहानू सन्मान किया गया होर भी कोई किया गया जां किवें जी? हाँ जी तकरीबन हर रोज़ ही NGOs दे वालों साड़ी बहुत मदद की जाती है आके एप्रीशिएट करते हैं। नाके ते इंटर डिस्ट्रिक्ट जिवें नाका लगा होया लोगों को जो असी इत्थे चैकिंग वास्ते रोकते हैं तो बहुत एप्रीशिएट ते बहुत हैल्प करते हैं बहुत सानू उहदे नाल हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू उपरों कांडा मार देना उपरों कांडा मार के दोबारा खींचना मेंटेन सोशल डिस्टेंस भाई जी मगर ही हो चल इन अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राशन किया गया वितरित। जी हां यूपी के आजमगढ़ जिले के लालगंज रतवा चंद्रभानपुर में कोटेदार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता को राशन दिया। देखें देव गांव से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आप राशन लेने आए हैं? जी। अच्छा अच्छा क्या नाम है? रोहित तिवारी। अच्छा क्या यूनिट आपका है? 5 यूनिट। कितना मिला है? 25 यूनिट। अच्छा आप भी लेने आए हो? जी। क्या नाम है? अच्छा क्या यूनिट है तुम्हारा? 5। अच्छा कितना राशन मिल रहा है? 25 किलो। अच्छा हेलो उधर। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू टेंथ विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां राहगीरों को ठहराने के लिए की गई व्यवस्था। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारीबारी में हैदराबाद से आए राहगीरों को ठहराने व उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। ओम प्रकाश पुत्र विनय कुमार जौनपुर, महेश कुमार पुत्र नंदलाल भदोही, चंदन पुत्र बंसी मिर्जापुर, नीरज कुमार पुत्र खुशीहाल भदोही, विकास पुत्र मनीजर भदोही, सचिन कुमार पुत्र घनश्याम भदोही, धीरेन्द्र कुमार पुत्र राम भजन फतेहपुर, रितेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद फतेहपुर, सोनू पुत्र मेवालाल फतेहपुर, प्रकाश पुत्र सुंदर फतेहपुर। उक्त लोग 15 अप्रैल 2020 को हैदराबाद से पैदल चलकर मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हुए नारीबारी पहुँचे। जैसे ही इसकी जानकारी नारीबारी चौकी प्रभारी जगनारायण को हुई, चौकी प्रभारी ने अपने हमराहियों के साथ इन लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण में संदिग्ध होने के कारण राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारीबारी में लाए तथा इनके रहने खाने की व्यवस्था की तथा इनके जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिया। इन राहगीरों के रहने खाने आदि की व्यवस्था हेतु राजा राम लेखपाल नारीबारी, राजभान लेखपाल रामपुर, उमेश लेखपाल मवैया कला, विनोद कुमार सफाईकर्मी, जोखू पाल सफाईकर्मी आदि को लगाया गया है। उक्त लोगों ने बताया कि इन राहगीरों को 14 दिन तक रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा इनके लिए सारी व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखें शंकरगढ़ से गिरिजा शंकर की रिपोर्ट। मैं इस समय प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ ब्लॉक के नारीबारी में पहुंचा हूं। यहां पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, इनकी संख्या लगभग 10 है और इनको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है और इनके भोजन पानी और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर लेखपाल राजभान रामपुर और राजा राम लेखपाल नारीबारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ इन लोगों से। हाँ, बताएं कि ये जो हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर? खाना दोनों टाइम खिला रहे हैं, दोनों मीटिंग खाने की व्यवस्था इनकी है। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था चारपाई और गद्दा। अच्छा, और रात में विद्युत वगैरह व्यवस्था? हाँ है सब। आपको किसी पर कोई समस्या हो रही है यहाँ पर कि नहीं हो रही? नहीं समस्या, कोई समस्या नहीं हो रही है। अच्छा, जांच टीम यहाँ आई कि नहीं आई? हाँ, शंकरगढ़ से दोबारा आई। दोबारा आ चुकी जांच टीम, चेकअप हो चुका है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नेगेटिव निकला, सबका नेगेटिव निकला है। कोई परेशानी आपको नहीं है? नहीं। आपका परिचय क्या है? नारीबाई लेखपाल। नाम क्या है आपका? राजा राम। नाम है, आप बताएं, आप पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजभान लेखपाल, क्षेत्र रामपुर। रामपुर है। इनके लिए क्या व्यवस्था की है जो हैदराबाद से 10 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं? इनके लिए ठहरने के लिए जो है पलंग और गद्दा मंगाया गया है और भोजन के लिए दोनों टाइम भोजन दिया जाता है। अच्छा अच्छा, कोई समस्या यहाँ पर किसी प्रकार की? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। इनसे हमेशा पूछा जाता रहता है कोई दिक्कत हो बताइए जी। तो कोरोना के लक्षण इसमें इनमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अभी जांच इनकी हो गई है? जांच तो दो बार हुई है। दो बार हो गई है। सभी की रिपोर्ट? रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट नहीं आई है अभी, बाकी है। अच्छा, लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो इन स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ, कोई शिकायत नहीं है इन सब की। अच्छा अच्छा, इस बार कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप क्या? उमेश कुमार लेखपाल, मवैया कला। अच्छा, मवैया कला के हैं। तो आपकी भी ड्यूटी यहाँ लगी है? हाँ सर, दिन में। कितने लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है? हम हैं राजभान सर जी, दिन में दो लोग और रात में हैं सर ये नारीबारी लेखपाल राजा राम जी। रात में राजा राम के अलावा और कोई कौन रहते हैं? और ये रहते हैं विनोद कुमार। अच्छा, जोखू पाल, एक गार्ड रहते हैं, गार्ड भी रहते हैं। अच्छा अच्छा, नाम नहीं। कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की यहाँ पर? कोई समस्या, भोजन पानी राशन की किसी प्रकार की समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब उपलब्ध हो गया, सारी चीज उपलब्ध है, सारी चीज। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
सब पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कैलाखेड़ा से है, जहां पीले राशन कार्ड बन रहे राशन में बाधा। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कैलाखेड़ा थाना क्षेत्र में पीले राशन कार्ड बन रहे राशन में बाधा। जहां एक ओर लॉकडाउन के चलते सफ़ेद कार्ड वालों को राशन मिल रहा है, वहीं पीले राशन कार्ड वाले परेशान दिख रहे हैं। जी हाँ, बताते चले कि उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र के बरेनी के ग्रामीणों का कहना है कि सफ़ेद राशन कार्ड पर फ्री राशन मिल रहा है और बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिल रहा है, लेकिन जिनके पास पीले कार्ड हैं उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगा और अब 19 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिससे बरेली क्षेत्र के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। घर में खाने को राशन ना होने के कारण ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। उनका कहना है कि ना ही ग्राम प्रधान और ना ही तहसीलदार यहां आकर देख रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाते हुए राशन मुहैया कराने की मांग की है। देखे केला खेल दफा भी नहीं मिला हमें तो, जैसे भी ना प्रधान जी आए ना कोई भी आया देखने के लिए नहीं आया ना, बिल्कुल कोई साथ नहीं मिली है। ये जो पीला राशन आपको ना कुछ नहीं मिला, बीपीएल में नाम था वो भी काट दिया। कितने लोग हैं ऐसे जिनको लाया अब तक बताएंगे? बहुत है, अभी आस पड़ोस में कहीं मिलता है किसी को मिलता नहीं है, जाते हैं वो, कभी आया कभी नहीं आया, कभी चले गए कभी बंद कर दिया। कुछ नहीं हुआ भैया, अब तक तो हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं मिली है अब तक, और हमारे बच्चे हैं वो भी बैठे पड़े हैं, और हमारे पति भी खत्म हो चुके हैं, 1 साल हो गई और वो भी कोई सुविधा नहीं मिली। और मतलब राशन से गए थे राशन लेने के लिए, तो वो भी पैसों से मिला था हमारे लिए। वो कार्ड उठा के ऊपर को दिखाना, ये जो पीला कार्ड है इस पे आपको राशन मिला है अभी तक या नहीं मिला? एक बार मिला था साहब, और वो भी मिला था 5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल। कितने दिन हो गए? बस मतलब 2 तारीख के लिए मिला था हमारे लिए, उससे बाद में या पहले कोई सुविधा नहीं मिली, ना कोई पूछने आया यहाँ पर। जब वोट पड़ते हैं तब सब लोग आते हैं घर पे, अब इस समय कोई झांक के नहीं देख रहा क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है, मतलब कहें तो किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हमें कोई प्राप्त नहीं हुई 1 रुपए की भी पीले कार्ड वालों में, बाकी ये है कि जो राशन हमें मिला था पिछले महीने वो हमें पैसों से मिला था, 5-5 किलो 7 किलो राशन मिला था, 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ पैसों से मिला था, 70 रुपए गए थे 5 किलो 7 किलो राशन गए। यहाँ के ग्राम प्रधान से आपने अपने विषय में बताया कुछ? हमने उनसे कहा था, प्रधान जी से बात करी थी, तो वो बोले कि इन पीले कार्डों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। नाम पता, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। बड़ा से मोहम्मद अजीम की ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक के लिए कहीं मत जाएं, बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। यदि आप चैनल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।